आज और कल दो दिनों में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में हड़ताल है। ये हड़ताल क्यों की गई है? ये हड़ताल इसलिए की गई है कि बैंक कर्मियों को उनके उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 2012 में बैंकिंग कर्मियों का वेतन रिवीजन हुआ था, उसके बाद से अभी तक वेतन रिवीजन नहीं हुआ है, और जो आज रिवीजन होने जा रहा है उसके ऊपर बैंक एम्प्लॉय के साथ एक मखौल करते हुए सरकार ने 2% का ऑफ़र दिया है। 2% का ऑफ़र, आप ये देखिए कि इसकी कोई वक्त नहीं है। 2% कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, कितने पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और 2% ऑफ़र दे के सरकार क्या करना चाहती है? सरकार प्ली देती है कि आज की तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन जब सरकार हमसे समाज का काम करा रही है, सारी सामाजिक अपनी जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू करा रही है, तो फिर हमसे प्रॉफिट की उम्मीद क्यों करती है? उसके बाद भी आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो वर्किंग प्रॉफिट पे बैंकों को आ रहा है, लेकिन सरकार जो NPA कर रखी है, जो बड़े बड़े सरमायेदारों को लोन दे रखे हैं, उनको माफ़ कर करके बैंकों को लॉस में ला रही है, और उसका सारा हर्जाना हम एम्प्लॉइज़ को भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए हम कतई ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इसलिए हमारी हड़ताल है कि सरकार हमें उचित हमारी वेजेस रिवीजन दे। जो पिछली बार 15% हमें दिया गया था, कम से कम उससे ऊपर हमें वेजेस रिवीजन दे, तभी हड़ताल रुकेगी। आगे आने वाले समय में हम इंडेफिनिट स्ट्राइक भी देंगे। महेश कुमार गुप्ता, AIBO, यूनाइटेड फोरम, अजमेर।